ये ले भाभी आपके माइयों का ड्रेस। अब हैरानी से देखती रहोगी या कपड़े चेंज करके भी आओगी? तो मैं माइयों बिठा के हमें अबरार की रस्म भी करनी है। तुम लोग मुझे बताकर आते तो मैं खाने का इंतजाम ही कर लेती। आंटी तकल्लुफ की क्या जरूरत है, अपना ही तो घर है, और वैसे भी भाई बहुत सारे रिफ्रेशमेंट्स लाए, कोई मसला नहीं होगा। अरे अबरार को अंदर क्यों नहीं लाए, बाहर क्यों छोड़ आए हो? उधर असल माइयों की दुल्हन है ना, तो हम पर्दे का ख्याल कर रहे। मियाँ बीवी हैं दोनों, मियाँ बीवी में पर्दा कैसा? बुलाओ उसे। जी जी, आपकी बेगम को आज अपने घर रोक लूं? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मिशो बाद में बात करो। कराई रस्म देवर की? सरी की भी इंतहा होती है नेहा। मैंने मना किया था ना, मना किया था मैंने, लेकिन तुम्हें अपनी मनमानी करनी है। कोई अदब, कोई तमीज, कोई लिहाज, तहजीब कुछ रही है तुम में कि नहीं? क्या तुम्हारा ख्याल है हम सब मर गए जो सारे फैसले खुद करती फिर रही हो? अम्मी प्लीज, नीनू ने जो किया अबरार की खुशी के लिए किया। सिर्फ यही खैर खा है अबरार की? हम सब तो उसके दुश्मन हैं। यही पट्टी पढ़ा के इसने तुम दोनों को हमसे दूर किया। ये दूरियां नीनू की वजह से नहीं, आपके और भाईजान के गलत फैसलों की वजह से। अम्मी अबरार, बेटा मैं तुम्हें क्या समझाऊं? तुम तो इसकी मुट्ठी में हो ना, इसी के इशारों पर नाचते हो। और तुम क्या करने आई हो यहां पर? इसे मैंने बुलाया है। क्यों क्यों बुलाया तुमने इसे यहां? मैं इसको घर से निकाल चुकी हूं ना। ये आपके पास नहीं, मेरे पास आई है। हमें तो अलग कर चुकी है ना आप। अब मेरे पोर्शन में कौन आता है और कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। चलो मीशू।